पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही बेतहाशा वृद्धि और रसोई गैस के दामों में आए उछाल के कारण आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। आम जनता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से टैक्स को घटाने की मांग कर रही है ताकि उनके रसोई का बजट ना बिगड़े। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है, जबकि रसोई गैस का सिलेंडर 800 रुपए के पार हो गया है। ऐसे में महिलाएं रसोई गैस के सिलेंडर में बढ़े हुए दाम से परेशान हैं। ये कहना चाहते हैं कि चूल्हे से रोटी कैसे सेक पाएंगे, गरीब आदमी मन नहीं जाएंगे, किसान आदमी कम होना चाहिए, परेशान है जनता बहुत सारा भाई, बता कर रहे गरीब आदमी बच्चा पाल रहे हैं। जा कहा है कि ये हमको सिलेंडर चाहिए और तेल जो बड़गाओ तेल मत दो चाहो में हम नहीं तो हमें का फायदा है खेती में ना ऐसो चूल्हे में। ये कहना चाहती है कि ये सब कम किया जाए, हैं आदमी मर रहा है भूखे प्यासे मर रहा है, 200 रुपया की मजदूरी कर रहा है, हैं और इतनी महंगाई बढ़ी और किसान है तो किसान का 12-13 रुपया किलो गल्ला बिक रहा है, परेशान है। महिलाओं को जहाँ रसोई गैस की चिंता है तो वहीं पुरुष बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों से परेशान हैं। पुरुषों का कहना है कि लगातार हो रही वृद्धि के कारण उन्हें वाहनों को छोड़कर अब साइकिल से सवारी करनी पड़ रही है। इस पे असर बहुत पड़ रहा है आम जनता के लिए। अब ये देखो आप 800 रुपए का सिलेंडर हो चुका है, 100 रुपए पेट्रोल हो चुका है, सिलेंडर की देख लो सिलेंडर 800 रुपए हो चुका है, सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है, पहले फ्री में सिलेंडर बांटे गए हैं, एक बार भरवा दिए गए हैं, अब ये देखो तब से खाली सिलेंडर पड़े हुए हैं, भरवाने के लिए पैसे ही नहीं हैं लोगों के पास। देखिए पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पेट्रोल सबसे अधिक महंगा है और 100 रुपये का सीधा सीधा प्रभाव आम जन व्यक्ति पे पड़ रहा है और जो लोग मोटरसाइकिल से चलते थे आज साइकिल पे चलने के लिए मोहताज हो चुके हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, मोटरसाइकिल रखी है, साइकिल से आए हैं, 60-65 साल की उम्र में साइकिल चलाना फिर से पड़ गया, 10-12 रास्ता में बैठे छतरपुर तक आ पाए। महिलाएं कहती हैं कि पहले सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस के सिलेंडर बांटे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें फिर से एक बार लकड़ी और चूल्हे की तरफ ही आशा भरी नजरों से देखना पड़ेगा, क्योंकि रसोई गैस के सिलेंडर का दाम तेजी से बढ़ रहा है। इस मामले में छतरपुर शहर के कई पुरुषों से बात की गई, उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को तत्काल टैक्स घटाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। भैया सिलेंडर जो दिए थे शासन ने वो तो रख दिए जहीं की तहीं, कंडा लकड़ियाँ से रोटी बन रही, कोई नहीं भरवा पाएगा, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ना किसान के पास कोई है पैसा है ना कोई फसल हो रही है, इसलिए सिलेंडर फिलेंडर सब रखे हैं, कंडा लकड़ियाँ से अपनी रोटी बन रही। सिलेंडर महाराज के माँ तो कंडा लकड़ियाँ भी इनके रोटी बनाम लगे चूल्हे पे हो उन्हें धाय दो, साइकिल मोटरसाइकिल नहीं लगाए कहीं पाँच ही साइकिल महारानी हाँ मना जाएगी महारानी तुम चलन लगो पैसे जो जग मोदी को ख़त्म होगा हम आओ सो इन्हें एक कोद धर आए और छः जाएंगे बैठे 8 किलोमीटर में जब छतरपुर लो आ पाए।